हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे लैरिंजियल पैरालिसिस के बारे में, ठीक है ना। तो लैरिंजियल पैरालिसिस एज इन अगर कोई भी मसल का पैरालिसिस हो गया ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी नर्व इन द लैरिंग्स, राइट। सो उसके कारण से जो पैरालिसिस हो, ठीक है ना, लैरिंग्स में, उसी को क्या कहेंगे, लैरिंजियल पैरालिसिस, राइट। तो लैरिंग्स की अगर हमें पैरालिसिस समझनी है तो हमें सबसे पहले तो अपनी बेसिक एनाटमी जो है बहुत क्लियर होनी चाहिए, बहुत क्लियर और टू द पॉइंट होनी चाहिए बेसिक एनाटॉमी, राइट, कि कौन सी मसल एटलीस्ट क्या करती है, इतना तो हमें पता होना चाहिए ताकि हमारा जो इसका लेके एप्लीकेशन है चीज़ों को लेके वो बेहतरीन रह सके, राइट। सो सबसे पहले तो हम लोग पहले मसल्स जो है एक्टिंग ऑन ट्रू वोकल कॉर्ड, वो हम लोग मसल देख लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी मसल जो है वोकल कॉर्ड पे एक्ट करती है, राइट। तो सबसे पहले तो अडक्ट, अडक्ट मतलब, अडक्ट क्या क्या मतलब होता है, जैसे मैं दो पेन का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। जैसे ये दो पेन है, ठीक, मेरे पास ये दीज आर द टू पेन, राइट, ये राइट। सो अडक्ट का मतलब क्या है कि ये पास आनी, ठीक है ना, अडक्ट, दे आर अडक्टिंग टूवर्ड्स ईच अदर। एंड एबडक्ट का मतलब दूर जाना, राइट। सो अगर आपने ये दूर जाना मतलब एबडक्ट होता है, एब डक्ट, और ये अडक्ट मतलब जहाँ डो डी आ जाए, मतलब दोनों पास में आएंगे, राइट। तो ये है मतलब इसका अडक्ट का। तो अडक्ट अगर ये आपका ट्रू वोकल कॉर्ड, कोई टीवीसी क्या है, ट्रू वोकल कॉर्ड है, राइट। तो अगर ट्रू वोकल कॉर्ड को अडक्ट करे तो ये कौन कौन सी मसल करती है, जितनी भी आपकी लैरिंग्स की मसल है, ठीक है ना, सब करेंगी अडक्ट, केवल एक को छोड़ के। कौन सी वो एक मसल, प्री पोस्टीरियर क्रीको आर्टिनोइड मसल, राइट, पोस्टीरियर क्रीको आर्टिनोइड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, ठीक है ना, क्योंकि इस पर बहुत सारा मतलब आपका क्लिनिकल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। एबडक्ट ट्रू वोकल कॉर्ड कौन सी एबडक्ट करेगी, ऑब्वियसली पोस्टीरियर क्रीको आर्टिनोइड, राइट, क्योंकि एक्सेप्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे ये एबडक्ट करेगी ऑब्वियसली पोस्टीरियर क्रीको आर्टिनोइड। इसको अपने दिमाग में बैठा लो जितना अच्छे से बैठा सकते हो कि पोस्टीरियर क्रीको आर्टिनोइड जो है वो एबडक्ट करेगी, ठीक है ना। अब एडक्शन में भी, अब देखो एडक्शन में भी क्या होता है ना, दो चीज़ें आती हैं, टेंशन। अब टेंशन का क्या बात होता है, टेंशन क्या होता है, मतलब टेंशन अगर लगाओगे तो क्या होगा, ठीक है ना। किसी भी रोप को तुम मान लो कि जैसे मैं किसी धागे को मान लो, जैसे ये एक मेरे पास कुछ और है नहीं तो आई गेस ये, ठीक है, यूज़ करते हैं, ठीक है, ये मान लो एक रस्सी है, ठीक है ना, इसको मैंने खींचा, ठीक है, ये खींचा, इसका टेंशन बढ़ा दिया मैंने, ठीक, और मैंने इसको जाए तो लैक्स छोड़ दिया, लैक्स छोड़ दिया मैंने इसको, तो क्या हुआ, ये ऑब्वियसली ये लैक्स छोड़ दिया तो ये ऐसे ढीला ढाला हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि जैसे कोई भी चीज़ में मैं ऐसे ऐसे टेंशन करके इसको करूँ तो आवाज़ ज़्यादा आएगी, ऑब्वियसली, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, आवाज़ ज़्यादा होगी, राइट, टेंशन बढ़ा रही, पिच बढ़ गई। लेकिन अगर मैं ऐसे ऐसे करूं इसका एकदम ढीला करके तो कोई आवाज आ रही है, आ रही है कोई आवाज, ऐसे आ रही है ना, ठीक है ना, ऐसे आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक। तो यही कॉन्सेप्ट है वोकल कॉर्ड का, राइट। टेंशन बढ़ाने पे पिच बढ़ेगी साउंड की, ठीक, पिच बढ़ेगी, तो पिच कौन सी साउंड बढ़ाती है, क्रीको थायरॉयड, ठीक है ना। एक और दूसरी मसल कौन सी याद करनी है आपको, क्रीको थायरॉयड मसल जो होती है वो आपके क्या करेगी, वो टेंशन बढ़ाएगी, क्रीकोथायराइड। और टेंशन कौन सी कम करती है, विच डिक्रीजेस द टेंशन, राइट, तो वोकैलिस मसल, वोकैलिस मसल जो होती है इनर पार्ट ऑफ थायरोएडेनोइड। थायरोएडेनोइड क्या होती है, जो वोकल वोकल कॉर्ड बनाती है ना थायरोएडेनोइड की, वही आके वोकैलिस, ठीक है ना। तो सबके अगर उसका सबसे अंदर वाला पार्ट जो होता है, देखो एक तो होता है वोकल वाला, जितना जितना वोकल कॉर्ड का जो लिगामेंट है, वोकल प्रोसेस जो हमारा वो होता है ना, वोकल कॉर्ड जो बनाता है, लोकल कॉर्ड की सबसे अंदर वाला हिस्सा, उसको वोकालिस मसल कहते हैं, राइट। तो ये थायरोएडेनोइड मसल का ही पार्ट है। अब ये इतनी चीज क्लियर होती है। एबडक्शन कौन सी मसल कराएगी, एबडक्शन मतलब दूर, मतलब कौन सी, पोस्टीरियर क्रीको आर्टेनॉइड। टेंशन कौन सा बढ़ाएगा, क्रीको थायरॉयड, मतलब क्रीकोइड से लेकर थायरॉयड तक, मतलब मान लो कि मान लो मान लो मान लो मान लो जैसे ये देख लो, ये मान लो ये है आपका थायरॉयड, मान लो ये थायरॉयड है आपका, ठीक है ना। इसके नीचे आपकी कौन सी होती है, इसके नीचे ऐसे मतलब सिग्नेट शेप में कौन सी, जैसे ये देखो ऐसे साइड व्यू देखो ना, ये थायराइड है, ये क्रिकोइड है। अब इसके बीच में जो मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन जो अंगूठे से बनेगा वो क्रीको कौन सा है, ये क्रीको थायराइड है। तो ये क्रीको थायराइड जो मसल इन दोनों के ऊपर अटैच होगी वो क्या करेगी, ये टेंशन बढ़ाएगी, ये टेंशन बढ़ाएगी, ये मसल जो है, ये वाली ये मसल अगर ये मतलब ये टेंशन को बढ़ाने काम करती है, कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो ये आगे खींचेगा, ऑब्वियसली ये कॉन्स्ट्रिक्ट हुई, ये आगे खींचा, ये मसल कॉन्स्ट्रिक्ट हुई, ये आगे खींचा, तो आगे खींचा टेंशन बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली
ये टेंशन बढ़ाएगा, ठीक है ना, टेंशन बढ़ाएगा क्रिकोथायराइड, राइट। और जो टेंशन डिक्रीज करता है वो मोकैलिस मसल होती है, राइट, वो वहाँ पे काम करती है। अब दूसरी चीज़ हमें क्या सीखनी है, वेगस की, और ये नर्व सप्लाई ऑफ लैरिंग्स, राइट। तो नर्व सप्लाई ऑफ लैरिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, एज इन आपका लैरिंजियल पैरालिसिस अगर आपको समझना हो, ठीक है ना। तो ये एक दूसरी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी लैरिंजियल पैरालिसिस को समझने से पहले, ठीक। तो सबसे पहली बात, वेगस नर्व इज द मेजर नर्व सप्लाई इन द केस ऑफ लैरिंग्स, राइट। वेगस नर्व सप्लाई करती है, और वेगस की कौन कौन सी ब्रांच होती है, एक सुपीरियर लैरिंजियल नर्व होती है, एक रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होती है, सुपीरियर लैरिंजियल और रिकरेंट, इंफीरियर लैरिंजियल नहीं होती। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हाँ एक सुपीरियर होगी तो इंफीरियर भी होगी, नहीं, सुपीरियर होती है और कौन सी होती है, करंट लैरिंजियल नर्व होती है, राइट। अब सुपीरियर लैरिंजियल नर्व है तो उसके भी दो पार्ट होंगे, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। अब क्यों हम लोग कहते हैं कि ये इंटरनल है और क्यों कहते हैं एक्सटर्नल है, जो इंटरनल लैरिंजियल नर्व है वो पियर्स करेगी थायरोहायड मेम्ब्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट, थायरोहायड मेम्ब्रेन को जो अगर पियर्स किया तो वो इंटरनल चली गई। अब थायरोहायड मेम्ब्रेन को जिसने नहीं पियर्स किया, ऑब्वियस सी चीज है, वो एक्सटर्नल होगी, ठीक है ना। अब रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, अब रिकरेंट लैरिंजियल नर्व का कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। देखो आपका राइट वाला, देखो पहले तो लेफ्ट की मैं बात करता हूँ, लेफ्ट वाला थोड़ा आसान, अगर लेफ्ट वाला समझ गए राइट वाला अपने आप समझ जाओगे। लेफ्ट वाला क्या होता है कि जो ये थोड़ा, ठीक है ना, ये क्या करता है, आर्च ऑफ अयोटा पे बाइंड करता है, लेफ्ट साइड में होता है आर्च ऑफ अयोटा। कैसे आती है, कैसे, लेफ्ट वेंट्रिकल करके दे, लेफ्ट वेंट्रिकल से कैसे ब्लड जाता है, वाया द आर्च ऑफ अयोटा जाता है ना, ऑब्वियसली ऑब्वियसली, राइट, समझ में आ रहा है बात को, ठीक है ना। अब आर्च ऑफ अयोटा किस साइड होगा, ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में होगा ना, लेफ्ट साइड में आएगा। तो लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व कहाँ पे बाइंड करती है, आपका आर्च ऑफ अयोटा पे। अब राइट वाली रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, अब राइट में देखो, ठीक है, आर्च ऑफ अयोटा की कौन सी ब्रांच होती है, एक राइट सब क्लेवियन आर्टरी, राइट सब क्लेवियन आर्टरी, राइट में राइट सब क्लेवियन आर्टरी, तो ऑब्वियसली राइट वाली कहाँ से टर्न लेगी, राइट सब क्लेवियन आर्टरी, नीचे ज्यादा कौन जाएगी, लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, क्योंकि उसको वाइंड करना है आपके कहाँ पे, उसको कहाँ पे वाइंड करना है, आपके आर्च ऑफ अयोटा पे, और राइट वाले को कहां बाइंड करना है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी पे। अब वो सबक्लेवियन आर्टरी ऑब्वियसली आर्च ऑफ अयोटा से निकली तो थोड़ा ऊपर जाएगी, तो थोड़ा वो ऊपर रहता है, और ज्यादा चांसेस किसका डैमेज का होता है, लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, क्योंकि उसका लॉन्गर कोर्स होता है। समझ में आती इतनी बात, ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली, राइट, ये कॉन्सेप्ट है। अब जो इंटरनल लैरिंजियल नर्व है, ठीक है ना, ये क्या करता है, ये सेंसरी सप्लाई देता है टू सुप्राग्लॉटिस, ये सेंसरी सप्लाई देगा टू सुप्राग्लॉटिस एंड हाइपोफेरिंग्स। समझ में आती है बात, सुप्राग्लॉटिस और हाइपोफेरिंग्स को क्या करेगा, ये सेंसरी सप्लाई देगा, क्या करेगा, ये सेंसरी सप्लाई देगा, सेंसरी सप्लाई टू सुप्राग्लॉटिस ना हाइपोफेरिंग्स। सुप्राग्लॉटिस मतलब ग्लॉटिस के अपर वाला पार्ट, ठीक है ना, और हाइपोफेरिंग्स मतलब समझ रहे हो, हाइपोफेरिंग्स मतलब क्या होता है, फेरिंग्स के नीचे, देखो फेरिंग्स के नीचे लैरिंग्स आता है, ठीक है ना, समझ में आता है ये बात समझ में आती है, फेरिंग्स ऊपर होगा ना ऑब्वियसली, ठीक है, नेजल फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स, राइट। तो हाइपोफेरिंग्स जाए हो गया, चाहे इसको कहते हैं जो आपका हाइपोफेरिंग्स ये है, तो ठीक है ना, तो उसको हाइपोफेरिंग्स या जो कि सुप्राग्लॉटिस पोर्शन ऑफ लैरिंग्स है, वो इसे सेंसरी सप्लाई लेगा इंटरनल लैरिंजियल नर्व से, राइट। तो एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व ये क्या करती है, क्रिकोथायराइड, क्रिकोथायराइड हमने क्रिकोथायराइड और कहाँ पढ़ा था, अभी अभी पढ़ा था हमने, क्रिकोथायराइड ये करता है टेंशन को इंक्रीज, ये करता है टेंशन को इंक्रीज। तो एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व ने क्या कराया, क्रिकोथायराइड मसल का टेंशन बढ़ाने के लिए मोटर सप्लाई ये देता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसका क्लिनिकल क्या हो सकता है, एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व ने इसको दे दिया सप्लाई, किसको, क्रिकोथायराइड मसल को, राइट। तो क्रिकोथायराइड मसल को मान लो कि सप्लाई मिल गया, इसको क्या हो गया, क्रिकोथायराइड मसल को इसको सप्लाई मिल गया, राइट। अब क्या हुआ, अगर एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व कट गई, मान लो कोई ट्रांजैक्शन मतलब कि रिसेक्शन हो गया या कुछ दिक्कत हो गया एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व में, तो क्या होगा, अब जो वोकल कॉर्ड है वो अपनी पिच नहीं बढ़ा पाएगा, वो पिच नहीं बढ़ाएगा, उसकी वॉइस डल हो जाएगी, वो पिच बढ़ा ही नहीं पाएगा। जैसे आपको हायर टोन्स में अब गाने में दिक्कत होगी, टीचर को बोलने में दिक्कत होगी, ठीक है ना, किसी कमांडेंट को मतलब कि सैल्यूट करने में दिक्कत होगी। तो अगर ये आपको फीचर समझ में आया कि हाँ वो मैं अपनी पिच वॉइस की नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, तो क्या होगा, क्या होगा, एक्सटर्नल रिकरेंट लैरिंजियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट है, समझ जाओ, ठीक है ना, इतनी सी बात दिमाग में बैठ जानी चाहिए, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व, राइट। अब
राइट वाली और लेफ्ट वाली के अब चीज समझो, सेंसरी सप्लाई टू ग्लॉटिस एंड सबग्लॉटिस। अब सुप्रा ग्लॉटिस को कौन सी सप्लाई कर दी थी, सेंसरी सप्लाई कौन सी कर रही है, अभी अभी मैंने बताया कि इंटरनल लैरिंजियल नर्व बिकॉज इट पियर्सेस द थायरॉइड थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। अब ये सेंसरी सप्लाई कौन सी इसको जाएगी, ग्लॉटिस और सबग्लॉटिस को। मोटर सप्लाई टू ऑल लैरिंजियल मसल एक्सेप्ट क्रीकोथायराइड, क्रीकोथायराइड को छोड़ के सारी की सारी ये राइट और लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व ये मोटर सप्लाई देती है आपके, आपके किसको देती है, लैरिंजियल मसल्स को। इतनी सी बात याद रहती है, अगर यहाँ तक बात क्लियर है तब आगे आपको समझ में आएगा लैरिंजियल पैरालिसिस। अगर यहाँ तक बात नहीं क्लियर है ठीक है तो दिक्कत होगा। अब हम लोग पूरी की पूरी चीज़ एक बार रिवाइज कर लेते हैं ढंग से ठीक है। मसल्स एक्टिंग ऑन, पहले तो मतलब कि वोकल कॉर्ड, ट्रू वोकल कॉर्ड पे कौन कौन सी मसल एक्ट करती है ठीक। पहली चीज़ कौन सी एडक्ट कराती है, एडक्ट सारी मसल्स कराएंगी लेकिन एक को छोड़ के, कौन सी, पोस्टीरियर प्रीको आर्टेनोइड राइट। अब दूसरी एबडक्ट कौन सी कराती है, पोस्टीरियर क्रीको अर्टेनॉइड, क्योंकि एक्सेप्शन में वहां पे था, यहाँ पे पोस्टीरियर क्रीको अर्टेनॉइड। अब कौन सी टेंशन, टेंशन के ऊपर दो चीजें होती है, एक तो बढ़ा सकती है टेंशन, एक घटाएगी। टेंशन को बढ़ाने वाली कौन सी होती है आपकी, कौन सी होती है, क्रीको थायराइड मसल ठीक है ना, क्रीको थायराइड मसल। और ये कौन सी होती है, इंट्रिंसिक मसल होती है जो कि प्रेजेंट होती है एक्सटर्नली राइट, क्रीको थायराइड मसल राइट। अब नेक्स्ट कौन सी है जो डिक्रीज करे टेंशन, टेंशन को कौन डिक्रीज करेगा, जो कि अंदर की मसल हो गया, ऑब्वियस सी बात है यार, सबसे अंदर थायरो आइटेनॉइड के सबसे अंदर वाला मसल को जो होती है वो होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, वोकैलिस मसल। वोकैलिस मसल क्या करेगी, टेंशन डिक्रीज करेगा, इंक्रीज कौन करेगी, क्रीको थायराइड। अब देखते हैं, अब लैरिंग्स का नर्व सप्लाई समझने की कोशिश करें, लैरिंग्स का नर्व सप्लाई हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कौन सी लैरिंग्स में, पहले तो दो ब्रांचेस में डिवाइड करेगी, एक सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। अब दूसरी कौन सी होती है, इंफीरियर होती है क्या, नहीं इंफीरियर नहीं होती, हाँ मैंने बताया था इंफीरियर नहीं होती यहाँ पे, यहाँ पे कौन सी होती है, रीकरेंट होती है, इंफीरियर नहीं बोलना, रीकरेंट बोलना ठीक है ना। सुपीरियर लैरिंजियल नर्व की भी अब दो ब्रांच हो गई, अब दो ब्रांच कौन सी, एक एक्सटर्नल, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। इंटरनल वाली क्या करेगी, पियर्स करेगी थायरोहायोइड मेम्ब्रेन को, और किसको सप्लाई करेगी, सेंसरी सप्लाई देगी किसको, ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स को, कौन से, सुप्राग्लॉटिक या हाइपोफेरिंग्स राइट, सेंसरी सप्लाई इसको दिया। अब दूसरी एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व कहाँ जाएगी, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व ठीक है ना, वो पियर्स तो नहीं किया थायरॉइड मेम्ब्रेन में, किसको सप्लाई किया, क्रीको थायरॉइड मसल। अब क्रीको थायरॉइड मसल को सप्लाई किया तो क्या हमारा दिक्कत वो होता है, क्रीको थायरॉइड मसल को सप्लाई किया ना तो मोटर सप्लाई होता है क्रीको थायरॉइड, और यहाँ पे कोई रिसेक्शन हो गया तो क्या होगा, उसको बंदे को अपनी वॉइस की पिच बनाने में दिक्कत होगा, यहाँ तक बात क्लियर होती है। अब आते हैं रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पे राइट। तो रिकरेंट में क्या होता है, दो ब्रांचेस राइट लेफ्ट, लेफ्ट वाली कहाँ जाएगी, लेफ्ट में कौन सा आता है स्ट्रक्चर आपके हार्ट से जो निकलता है, आर्च ऑफ अओर्टा, तो वो कहाँ वाइंड करेगी, आर्च ऑफ अओर्टा पे वो वाइंड करेगी। और राइट वाली कहाँ वाइंड करेगी, आर्च ऑफ अओर्टा से कौन सी आर्टरी निकलती है आपकी, राइट सप्लेवेन आर्टरी जो राइट की तरफ निकलती है राइट, तो वहां पे वो राइट सप्लेवेन आर्टरी के अराउंड वाइंड करेगी। अब देखो, अब यहाँ पे अगर कौन सा लंबा कोर्स होगा, ऑब्वियसली लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व का लंबा कोर्स होगा। अब लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व का लंबा कोर्स हुआ तो उसको दिक्कत, मतलब कि अगर वहां उसका उसके में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। अब देखो दो क्या होता है, अब ये दोनों नर्व्स क्या होती है, सप्लाई कहां कहां करती हैं, ग्लॉटिस और सब ग्लॉटिस रीजन को, क्योंकि सुपरा ग्लॉटिस जो कि सप्लाई हो चुका था किससे, अपनी इंटरनल लैरिंजियल नर्व से, लेकिन यहां पे क्या हुआ, ग्लॉटिस सब ग्लॉटिस। नेक्स्ट हम लोग क्या बात किए थे, ग्लॉटिस सब ग्लॉटिस के बाद क्या है इसका सेकंड सप्लाई, मोटर सप्लाई टू ऑल लैरिंजियल मसल्स एक्सेप्ट कौन सी, क्रीको थायराइड मसल। तो ये बात रही आपकी जो लैरिंजियल पैरालिसिस पार्ट वन की राइट, क्योंकि इसको मैं दो पार्ट में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इसकी बेसिक एनाटॉमी और बेसिक जो मसल्स का सप्लाई है आपको याद होना बहुत जरूरी है, तभी आपको लैरिंजियल पैरालिसिस चमकेगा, नहीं तो ऐसे नहीं चमकने वाला ठीक है ना, क्योंकि बहुत वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है ये चीज़ ठीक है ना। अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं आगे पास तो रट रट लोगे, हजार बार रटोगे ना तो हजार बार भूल जाओगे, लेकिन एक बार अगर आपके दिमाग में बैठ गया कि हाँ ये चीज़ होती है, अगर ये होगा तो ये होगा, अगर ये होगा ये होगा, अगर लॉजिक लगाओगे ना तो याद भी हो जाएगा चीजें। लॉजिक ही नहीं है तो रटो, फिर रटते रहो ठीक है, जितनी बार रटोगे उतनी बार भूल जाओगे, एक दिन रटे 3 दिन बाद भूल गए, तो ऐसे थोड़ी ना होता है काम चीज ठीक है ना। तो ये रहा मेरी तरफ से थोड़ा सा बेसिक एनाटॉमी और नर्व सप्लाई, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं आपसे लैरिंजियल पैरालिसिस को लेकर नेक्स्ट वीडियो में राइट, वो देखना जरूरी है ठीक, बाय।